सो हेलो अर वन इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास पाइथन के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं सो जनरली आप चेक करेंगे इन पाइथन हमारे पास टोटल फोर्टीन यानी कि चौदह डेटा टाइप्स हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं तो पहला है हमारे पास विच इज़ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स और न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास तीन आते हैं पहला इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स द सेकेंड वन इज स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप तो जिसको हम एस टी आर हम लोग बोलते हैं जल्दी आप कोई भी स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हैं तो जो उसका डेटा टाइप होगा दैट इज़ एस टी आर द थर्ड वन विल बी सिक्वेंस राइट जिसके अंदर हम लिस्ट हम बना सकते हैं टपल्स बना सकते हैं या किसी रेंज को हम लोग यहाँ से बता सकते हैं सबका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से बताऊंगा देन इट विल बी बाइनरी टाइप्स जिसमें आपके पास बाइट्स होते हैं बाइट अरे होता है और मेमोरी व्यू यहाँ पर आता है then fifth will be which is mapping data types which is dictionaries जिसको हम disk भी हम लोग यहाँ से बोलते हैं then we have boolean data types which is bool or you can say boolean then we have data types which is set or frozen set तो कितने हो गए मेरे को फिर से हम लोग यहाँ से calculate मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से तो कौन-कौन से हैं the first one is integer then we have float which is float

ओके okay. अब जनरली आपको पता है कि डेटा टाइप्स होता क्या है डेटा टाइप्स इज बेसिकली कंटेनर्स जहाँ पर हम अपने डेटा को हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं और इन पाइथन पाइथन इज डायनमिकली टाइप्ड लैंग्वेज यानी कि जो भी आप वेरिएबल आप यहाँ से बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जिस तरह की वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी अब द फर्स्ट एग्जाम्पल इज न्यूमेरिक सो इन न्यूमेरिक के तीन टाइप थे पहला इंटीजर था दूसरा फ्लोट थर्ड वन वी कॉम्प्लेक्स सो so, जो इंटीजर्स हैं सो इंटीजर्स के जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है जैसे अगर मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ विच इज माइनस फाइव ये पॉजिटिव नंबर है चाहे आपके पास माइनस फाइव है चाहे प्लस फाइव है तो ये भी एक इंटीजर्स हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन पाइथन इसका कोई भी लिमिट नहीं है जनरली जैसे हम सी uh, को यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस को यूज करते हैं राइट right? तो इंटीजर्स के अंदर ना वो हमारे पास फोर बाइट का होता है जनरली है ना और वहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग होता है तो जो लॉन्ग होता है वो आपके पास एट बाइट के आसपास रहता है और जो शॉर्ट है जनरली सी के अंदर वो आपके पास टू बाइट्स का रहता है यानी कि एक लिमिट है यहाँ पर लेकिन इंटीजर्स के अंदर इन पाइथन कोई भी लिमिट नहीं है सो इन पाइथन देर इज नो लिमिट ऑन हाउ लॉन्ग एन इंटीजर्स वैल्यू कैन बी इवन इफ यू कैन हैव अ वैल्यू विच इज फोर वन 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 जीरो 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 वी हैव नाइन 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 आई कैन ह्यूज वैल्यू राइट और इसकी कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है द नेक्स्ट वन विल बी फ्लोट राइट तो फ्लोट वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है जैसे आपके पास नाइन पॉइंट फाइव है या फिर 5.0 है ये सभी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं एंड दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट क्लास राइट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एज ए क्लास की तरह हम लोग जनरेट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सबक से बताना चाहता हूँ जनरली हम सी सी प्लस प्लस या फिर अगर आप जावा यूज करेंगे तो वहाँ पर एक कंटेनर्स होता है जैसे डेटा डेटा टाइप आप जनरली बताते हो तो उसका पता है कि किस तरह का डेटा टाइप होगा उसकी क्या लिमिट होगी राइट right? लेकिन पाइथन में एवरीथिंग इज एज ए ऑब्जेक्ट तो यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको बनाते हैं तो पूरी स्टेटमेंट में ना आपने देखा होगा यहां पर इंटीजर क्लास रिटर्न है फ्लोट क्लास रिटर्न है राइट इवन कॉम्प्लेक्स क्लास तो यानी कि इन सभी को हम एज ए ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको जनरेट करते हैं और थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल में अभी अपकमिंग क्लासेस पे भी मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। तो ये एज ए क्लास यहाँ पर जनरेट होता है तो इंटीजर्स क्या होता है इंटीजर्स की कोई भी लिमिट नहीं है ऐसे ही जैसे ही मैं फ्लोट की बात करते हैं सो इट इज़ अ रियल नंबर विच फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली बाय डेसिमल पॉइंट तो इसकी जो वैल्यूज़ है हम स्मॉल ई या कैपिटल ई से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकती है और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ से बताऊंगा तो जो फ्लोटिंग वैल्यूज़ हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस हम लोग यहाँ से कर पाए तो देट इज़ वाई द इज नो लिमिट राइट देन वी हैव कॉम्प्लेक्स राइट जैसे कई बार आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास आती हैं ठीक है जहाँ पर हम आयोटा आई थिंक आपको याद होगा कि आयोटा हमने यूज़ किया था इमेजिनरी नंबर्स तो यहाँ पर भी हम एक टाइप यहाँ पर है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो ये भी एक एज ए क्लास है यानी कि इट्स ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट तो इस ऑब्जेक्ट में आप चेक करेंगे तो इसके दो पार्ट होंगे एक आपका रियल पार्ट होगा और दूसरा आपके पास आइडिशनरी इमेजिनरी पार्ट होगा जैसे एक नंबर मेरे पास है माइनस टू प्लस थ्री जे तो यहाँ पर जो माइनस टू है वो एक रियल पार्ट है और ये जे की वजह से ये दिखा रहा है कि ये एक इमेजनरी पार्ट है और ये मैथमेटिक्स में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम बहुत सारी कैलकुलेशन ईजीली हम यहाँ से कर पाते हैं अब जैसे एक प्रोग्राम आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर तो मैंने पहले स्टेटमेंट पर मैंने a इज़ एक टू फाइव मैंने दिया तो सिर्फ फाइव लिखा है इसका मतलब है ये एक इंटीजर टाइप है आई कैन हैव एनी वैल्यू और ये किस टाइप का है तो उसके लिए मैं एक फंक्शन को यूज़ करूँगा जिसका नाम है टाइप ब्रैकेट ए तो ये बताएगा किस टाइप का है और ये इसकी वैल्यू को हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं ऑब्वियसली ठीक है तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ से प्रिंट करेगा ये हमें बताएगा कि किस टाइप का है एंड यू कैन फाइंड कि ये इंटीजर टाइप का है तो जो भी स्टेटमेंट आएगी ये बताएगा हमें दिस इज टाइप ऑफ ए इंटीजर राइट तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर दिखेगा ठीक है सो अगर मैं इसका आउटपुट में लिखूंगा ना एक्चुअल में तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंटीजर आई थिंक आई शुड से इट इज एज इंटीजर क्लास राइट तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी सो इट इज टाइप ऑफ ए और यहाँ पर जो क्लास का नाम है सो इट इज क्लास और विच इज़ इंटीजर तो इंटीजर इसकी टाइप होती है तो वो यहाँ पर लिखा होगा इस पूरी स्टेटमेंट पे ठीक है ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से ये बताएगा कि ये इंटीजर क्लास इंटीजर है और इस स्टेटमेंट की वजह से द वैल्यू फाइव को यहाँ से प्रिंट करेंगे उसी तरीके से अब जो नेक्स्ट टाइप है बी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट जीरो तो फाइव पॉइंट जीरो इसका मतलब है फाइव पॉइंट जीरो जो है वो एज ए फ्लोट की तरह यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है सो इफ आई से दिस कंप्लीट स्टेटमेंट स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा दैट इज टाइप ऑफ बी और ये किस टाइप का है तो इसका टाइप है यहाँ पर क्लास फ्लोट तो फ्लोट इसकी क्लास है और जब मैं इस वैल्यू को यहाँ से प्रिंट करेंगे तो वैल्यू जो यहाँ से प्रिंट होगा दैट इज फाइव नेक्स्ट विफ से सी इज इक्वल टू टू प्लस फोर जे ठीक है तो टू प्लस फोर जे तो so, ये जो टू है ये आपकी रियल वैल्यू है और ये जो है वो इसका इमेजनरी वैल्यू है तो जब इसकी वैल्यू को यहाँ पर इस स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो इसकी जो क्लास है वो कॉम्प्लेक्स क्लास है यानी कि जब इसका आउटपुट यहाँ से प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आएगा टाइप ऑफ सी और इसकी जो टाइप है सो विच इज़ क्लास विच इज विच इज़ कॉम्प्लेक्स तो इसकी टाइप है वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ से दिखाएगा और इस स्टेटमेंट की वजह से आपकी वैल्यू प्रिंट होगी टू प्लस फोर जे ताकि मैं इस वैल्यू को हम यहाँ से बना पाए तो अगर मैं स्टेटमेंट को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो आई कैन जस्ट गो एंड एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट करने का जो आउटपुट है आप यहाँ से देख सकते हैं यू कैन सी दिस कम्प्लीट स्टेटमेंट और अगर मैं कुछ छोटी सी कुछ चेंजेस अगर मैं करता हूँ अस सपोज आई जस्ट गो एंड रिमूव दिस स्टेटमेंट मैं स्टेटमेंट को ही यहाँ से रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ठीक है तो राइट तो हैश के जैसे क्या हुआ कि कमेंट बन चुका है अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन साइड किस टाइप का व्हाट इज दिस टाइप ओके तो दिस अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डेटा टाइप्स कौन कौन सी हो गई सबसे पहला हो गया आपके पास इंटीजर्स ये वाला जो फर्स्ट है दिस इज इंटीजर्स द सेकंड वन इज फ्लोट एंड द थर्ड वन इज योर कॉम्प्लेक्स नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट डू लडस बाय सीक्वेंस टाइप तो सीक्वेंस टाइप हमारे पास आता है जनरली हमारे पास तीन सीक्वेंस टाइप आती है पहला स्ट्रिंग्स द सेकंड वन लिस्ट्स एंड द थर्ड वन टपल्स